बाबा भक्ति मार्ग में तीन प्रकार के जाप लगते हैं बाबा। मूल रूप है दो प्रकार का, एक है मंत्रा जाप और दूसरा है वाचा जाप। माला फेरते हैं तो मुंह चलता रहता है, राम आवाज नहीं निकालते। कोई फिर मुंह भी नहीं चलाते हैं, आवाज भी नहीं निकालते हैं, अंदर ही अंदर बोलते रहते, तो तीन प्रकार का हो जाता है। हाँ अजब अजब किस को कहते, बोलते नहीं है कुछ भी, कुछ भी जपते नहीं है, माला भी जपने की दरकार नहीं। सिर्फ हम बाबा को याद करते हैं, इसमें जाप आदि करने की बात नहीं, माला आदि भी जपने की बात नहीं। फिर बाबा एक एक बार बोलते हैं अंदर भी जाप नहीं करना, अंदर 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 मुख से बोलते हैं ना राम 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 कृष्ण कृष्ण, तो अंदर भी बोलने की बात नहीं है, ये तो याद करने की बात है। बाप बच्चे को याद करता है तो उसका नाम लेकर के जाप करता है क्या? उसका रूप सामने आ जाता है, हमने बाप को पहचाना है तो बाप का वो रूप स्वरूप हमको याद आता है ना, स्थान भी याद आता है, व्यक्तित्व भी याद आता है, बातें भी याद आती हैं, कर्म भी याद आते हैं। तौबा भरनी चाहिए माना बाबा। तौबा उर्दू का शब्द है, अब हम कभी नहीं करेंगे, अभी तक जो किया तो किया, अब कान पकड़ते हैं। बाबा एक मुरली ने बताया है नरसिंह नारायण जब शिक्षक नरसिंह नारायण एक होता है, सिंह शिक्षक नरसिंह नारायण एक होता है, बिगड़ राज वाला नरसिंह नारायण बताए। भक्ति मार्ग में जो राजा बनते हैं कलयुग में, उनके सर पर कोई ताज नहीं होता है, वो बिगड़ ताज हो गए। द्वापर में राजाए होते थे, उनके सर पर फूल ताज होता था, तो सिंगल ताज हो गया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे पर है जिम्मेवारी का ताज और दूसरा है प्योरिटी का ताज। तो देवताओं को कहा जाता है डबल सिर ताजधारी, देवताएं पवित्र भी होते हैं और सोने हीरे का किरीट भी दिखाया जाता है। और नरसे नारायण जैसे तो बनते हैं, यथा राजा तथा प्रजा तो बनती है ना, बाबा राजा तो स्वयंवर किया कृष्ण को ना, स्वयंवर मतलब तो लव मैरिज, स्वयं वरण करना, माँ बाप ने शादी नहीं रचाई, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती, माँ बाप ने शादी की, माँ बाप ने वर को ढूंढा,
या अपने अपने आप वर्ण कर लिया, खुद ही वर्ण किया। तो बातें कहाँ की हैं, संगम की बातें हैं। अरेंज मैरिज और रजिस्टर्ड मैरिज इसका मतलब क्या है? अरेंज अरेंज्ड मैरिज पहले से तैयारी करके मैरिज की, पहले से तैयार कर लिया किसी स्थान पर ऐसे व्यक्ति से, ऐसे ऐसे तुम्हारा बंधन बनेगा। पहले से किसी तारीख निश्चित कर दी, संगम युग में लक्ष्मी नारायण को बच्चे कहाँ होते हैं? स्थूल में होते हैं क्या? अगर होते भी हैं तो बुद्धिरूपी पेट में होते हैं या स्थूल पेट में होते हैं? बुद्धिरूपी पेट की बात है, वो दिखाएंगे कैसे। का नाम वो में आ नहीं त्रिमाने तीन, जो तीन रूपों में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है क्या? एक ही रूप में प्रत्यक्ष हुआ है उसको कहते हैं अत्री, नहीं तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। लेकिन शिव ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष हुआ क्या? नहीं। शंकर के रूप में भी संसार में तब प्रत्यक्ष कहा जाता है जब शंकर का याद का पुरुषार्थ पूरा हो जाए, तब कहेंगे बाप समान बेटा। शिव शंकर का नाम मिला दिया जाता है। नहीं तो सदाकाल वो मूर्ति भी नहीं है। और विष्णु में तो शिव प्रवेश ही नहीं करता। तो भगवान के स्वरूप होने की बात ही नहीं। तो कौन सा एक रूप है जो गॉड फादर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है? एक ही शिव शंकर का स्वरूप है, गॉड इज वन। तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है, बड़ा बच्चा तो एक ही होगा, बाकी तो नंबर वार हैं। ब्रह्मादेव, विष्णु देव, फिर देवदेव, महादेव। विश्वकर्मा भी नारायण, विश्व का निर्माण करती है। तो निर्माण करने का नाम विश्वकर्मा डाल दिया। बाबा 2018 में कृष्ण का सब पढ़ाई खत्म हो जाता है, टीचर चले जाते हैं ना? है 2018 में कृष्ण पहले पत्ते की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर नंबर वार और जो देवताओं की पढ़ाई पूरी होती जाएगी, उनकी आत्मा भी कोई न कोई देवी देवता के रूप में संसार के लोग भी प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेंगे।
ऐसे करते करते 33 करोड़ देवताओं को प्रत्यक्ष होना है। तैतीस करोड़ कैसे? शुरुआत पहले पत्ते से होती है तो ढेर पत्ते होते हैं क्या? 18 के अंत तक ही पहले ढेर पत्ते प्रत्यक्ष होंगे या पहले एक पत्ता प्रत्यक्ष होगा? पहले एक ही प्रत्यक्ष होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, ऐसे नंबर वार पत्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, और फिर अंत तक रहेंगे है? अभी पार्टधारी नहीं है क्या? अभी पार्टधारी है लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर के बंधन में है। भूत प्रेत की योनि में है, फिर क्या होगा? जैसे बाप बीज रूप, वैसे बच्चा भी बीज रूप स्टेज सदैव के लिए प्राप्त कर लेगा, बाप समान बन जाएगा। पूरा ज्ञान जो बाप की बुद्धि में है वो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाएगा। तो कहावत है, एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। ऐसे 10 गुनी ताकत बढ़ जाती है। अभी तो आधा इधर पार्ट बजाती है वो आत्मा, और आधा आसुरी संप्रदाय की ओर पार्ट बजाने लग पड़ती है। बाबा राहु के तो क्या क्या काम किया? आसुरी काम किया ब्रह्मा जी का, बोला अभी गीता माता में तो एक नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। गीता माता ने पूरा बाप को पहचाना है? नहीं। तो ना पहचानने का कारण, मूल कारण पहले की आत्मा में समाया हुआ है। न पहचानने की मूल बात क्या है गीता का? भगवान। उस कारण को 100% धारण करने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा की। तो पहला पत्ता है सृष्टि का, उसी की बुद्धि में नहीं बैठा तो औरों की बुद्धि में कैसे बैठ जाएगा? और माताएं तो वैसे ही आधीन हो जाती है। बाप आते हैं तो माताओं को स्वाधीन बनाते हैं। फिर तो बच्चा क्या बनाता है माताओं को? आधीन बना देता है। और घर घर की ये रिवाज है क्या? एक घर की रिवाज है या अरे सभी घरों की यही रिवाज चल रही है? सभी घरों में यही रिवाज चल रही है। जो पहला पत्ता करेगा और सभी पत्ते वैसा ही करने लग पड़ेंगे। हजार 12 के बाद राज करेगा, खालसा का पाठ शुरू हो जाएगा क्या?
और वो पार्ट 2008-18 तक चलेगा क्या? उसके बाद बाप की प्रत्यक्षता होगी क्या? दो हजार अठारह तक की तो बात बता दी। कृष्ण की आत्मा के साकार शरीर के बिगर सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाने के 50 साल 18 में पूरे होते हैं। उसके बाद वो आत्मा बीज रूप इसके धारण कर लेती है और बच्चे के साथ ही बाप प्रत्यक्ष होगा, अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो 2018 की तो बात ही क्लियर है। अभी 2012 कहां से निकाल लिया है? भक्ति मार्ग वालों ने एक सीढ़ी छपाई है, बनाई है। 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। उससे कनेक्ट कर दिया है महाकाली के पार्ट को। तो पूछा जा रहा है 2012 के बाद वो मनसा से खालिस पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रत्यक्ष होगी क्या? इसके लिए विष्णु के चित्र में बाई ओर की नीची भुजा में कमल का फूल दिखाया जाता है। भल रहे कीचड़ की दुनिया में, परंतु मन बुद्धि से आत्मा उस कीचड़ से निर्लिप्त होकर के रहे। इसलिए महाकाली को तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं ज्ञान का, मस्तक में चंद्रमा भी दिखाते हैं। और पुराने चित्रों में मस्तक में शंकर की मूर्ति भी रखी हुई दिखाते हैं। तो क्या 2018 के बाद महाकाली का पाठ नहीं चलेगा? विनाश ये काम करता कौन है? देवताएं करते हैं या असुर संगायनी गाई हुई है? तो 2018 के बाद असुरों की दुनिया खलास हो जाएगी क्या? पार्ट तो अंत तक चलते रहेंगे, लेकिन बाप के बच्चों के बीच में प्रत्यक्षता हो जाएगी। जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में अभी भी प्रत्यक्षता बाप की हो रही है, या 76 के बाद प्रत्यक्ष होना बंद हो गया है? प्रत्यक्षता तो अभी भी हो रही है, पहचानने वाले पहचान रहे हैं, न पहचानने वाले अभी भी नहीं पहचान रहे। तो 2018 को बच्चे के साथ बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, मैंने दोनों प्रत्यक्ष हो जाएगा 2018 को? हाँ, बाप और बेटे दोनों प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ये दोनों साथ में 2018 में प्रत्यक्ष हो जाएगा सारी दुनिया में।
सारी दुनिया में क्यों, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता होगी कि सारी दुनिया में प्रत्यक्षता होगी? 76 में एडवांस की जो दुनिया थी, जो रुद्रमाला बनना शुरू हुई थी, उसमें बाप की प्रत्यक्षता हुई थी या सारी देश के ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता हो गई थी? रुद्रमाला की जो नई दुनिया स्थापन हो रही थी उसमें प्रत्यक्षता हुई थी? हर एक काम सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है, ऐसे नहीं स्थूल रूप में 500 करोड़ में एकदम प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो 2018 में तब एडवांस बेसिक दोनों एक हो जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक जैसे ग्रुप हैं सभी, क्या ब्रह्मा की गोद में जो भी पलने वाली दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं हैं वो सब एक जैसी हैं क्या? वो भी अलग अलग किस्म के ग्रुप हैं, और एडवांस पार्टी में भी अलग अलग प्रकार के ग्रुप हैं। तो नंबर वार प्रत्यक्ष होंगे बुद्धि में, ये एक साथ प्रत्यक्ष होंगे, नंबर वार प्रत्यक्षता होती जा रही है। बाबा 2012 में दूरी चेंज होते हैं जगदम्बा के आश्रम से देवता की फसल से है, फिर 2012 में स्थूल पृथ्वी की दूरी चेंज हो जाती है जगदम्बा, तो चंद्रमा आकर के पृथ्वी में ऐड हो जाएगा, फिर हाँ ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो सकती है। बाबा 2018 में सूर्य चंद्र से दोनों एक हो जाएगा, वो भी नंबर वार है। असल सूर्य अस्थि कितने होंगे? 8 फिर नई दुनिया बनेगी तो परिवार की कोई एक इकाई होगी या ढेर सारे परिवार एकदम प्रत्यक्ष हो जाएंगे? एक इकाई होगी। नई दुनिया में स्टार्टिंग में 9 लाख पॉपुलेशन बताया, हाँ जी, वो 36 में होगी है, 2036 में 9 लाख भाजपा होगी, हाँ तो मैं होंगी 9 लाख 50 9 लाख प्रजा होगी, माने स्थूल रूप में 4.5 लाख बच्चों की संख्या से पैदाइश हो जाएगी और 4.5 लाख जन्म देने वाले भी मौजूद होंगे, ऐसा आपके पूछने का मतलब यही है? 9 लाख है ना बाबा स्टार्टिंग में, माने 2036 में 9 लाख में से 4.5 लाख जन्म देने वाले भी मौजूद होने चाहिए और जन्म लेने वाले भी मौजूद होने चाहिए, ऐसा होगा क्या? ये पूछ रहे हैं ना, जब बम्बोर को आग लगेगी, अणु अणु जहाँ से आया है वहां से अपना साइकिल पूरा करके वहीं पहुंचेगा, हर आत्मा अपना साइकिल 5000 वर्ष का पूरा करके परम धाम में अपनी जगह पे जाके सेट होगी, तो दुनिया में कोई रह जाएगा क्या? हाँ जो रह जाएंगे वो बर्फ के अंदर होंगे या बाहर होंगे? बर्फ के अंदर हो सकते, ऐसे नहीं है कि 2036 में 9,16,108 की आबादी पूरी होगी, नहीं, 2036 के बाद आत्माओं का उतरना शुरू होगा, ये एक साथ 9 लाख उतर आएंगे, शुरुआत होगी
जिनका ज्यादा योग बल होगा वो पहले उतरेंगे, जिनका योग बल कम होगा वो पहले जन्म के लास्ट में उतरेंगे। वो संख्या ही है 4.5 लाख सूर्यवंशियों की, बाप समान बच्चों की, और 4.5 लाख जन्म लेने वाले बच्चों की। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो असल अपने धर्म के पक्के होंगे वो पहले जन्म के अंत तक प्रत्यक्ष होंगे। सत्यु का पहला जन्म का अंत होगा और इस्लाम धर्म की आत्मा का उतरना शुरू। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी उतरना शुरू हो जाएंगी। वो पहले जन्म में उतरेंगी या दूसरे जन्म में? दूसरे जन्म में उतरेंगी। और आप सत्युग कहेंगे पहले जन्म को, और पहले जन्म की भी परिपूर्णता कहेंगे जब इस्लाम धर्म का इब्राहिम का आधारभूत आत्मा परमधाम से उतरने वाली होगी। वो बच्चा बन के आएगी ना, तब कहेंगे परिपूर्णता हुई पहले जन्म की। ऊपर से जो उतरेंगे पहले पहले वो एकदम संपन्न कंप्लीट आत्मा उतरेंगी, जो सजा न खाने वाली होंगी ये सभी उतर पड़ेंगे। है सजा नहीं खाती वही पहले आएंगी, वो पहली इकाई है। नहीं, एक लाख। जैसे पानी का जो बाल्टियां होती है रहट जिसे कहा जाता है, एक जाती है तो दूसरी आती है, उतर उतर डालते रहता है। हाँ जी भाई, तो ऐसे ही आत्माएं जाने का तो एक साथ है लेकिन उतरने का सबका एक साथ नहीं है। 5000 साल में 500-700 करोड़ उतरती है। पहले पहले धीरे धीरे उतरना होता है। 150 वर्ष में जाकर के 9 लाख उतरेंगे। और अभी अंतिम 150 वर्ष में कितने उतरते हैं? ये अंतिम जो 150 वर्ष है 5-4 वर्ष के ड्रामा के, 200-250 करोड़ से भी ज्यादा उतर पड़ते हैं। तो कितना अनुपात घटती बढ़ती हो जाता है। शिव भोजन नहीं कहते हैं, ब्रह्मा भोजन क्यों कहते हैं? भोज शब्द है, भोज बनता है भोग से। शिव बाबा भोगता है, शिव अभोगता है। तो जो अभोगता है उसका भोग कैसे लगाया जाएगा? इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा ये भोगी है, शिव भोगी नहीं है, इसलिए शिव भोजन नहीं कहा जाता है, ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। आप हो चाहे ब्रह्मा का भोग हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा का भोग हो,
राम की आत्मा भोगी है, कृष्ण की आत्मा भोगी है, उनका ब्रह्मा भोजन है। शिव के लिए कैसे कहेंगे शिव भोजन? हाँ, शिव का भंडारा है वो भी निराकार शिव ज्योति बिंदु परम पिता का ज्ञान का भंडारा है। और वो जब साकार में प्रवेश करता है और साकार की जब परिपक्व स्टेज बनती है तो शिव बाबा का भंडारा है। उस शिव का भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। शेर के बच्चे बनना अच्छा कहते हैं, पर शेर तो जगदम्बा की निशानी है ना। अरे शेर जगदम्बा की निशानी है या शेरनी निशानी है? जगदम्बा स्त्री है या पुरुष है? स्त्री है। शेरनी तो कहेंगे लेकिन जगदम्बा को शेर नहीं कहेंगे। हाँ, शेर जब प्यार में आता है तो भले दोनों उल्टम पत्ता होते रहे, शेरनी शेर के ऊपर प्यार में सवारी कर सकती है। जोर जबरदस्ती करके नहीं। इसलिए प्यार में चेंज करने की ताकत है। बाहुबल से सारी दुनिया चेंज नहीं हो सकती। कहते हैं प्यार में पत्थर भी पिघल जाता है, पत्थर पिघल जाता है या पत्थर बुद्धि पिघल जाता है। पत्थर बुद्धि की बात है। पारसनाथ कहा जाता है, पारस पत्थर ऐसा कोई होता थोड़ा ही है जो लोहे को सोना बना दे। ये तो आत्मा की बात है। बाप की याद करने से आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है। बाबा, ये भाई का कहना है। हाँ जी। श्री राम जी को शिव परमात्मा ने नमस्कार किया, ऐसा मुरली में सुना बोल रहा है। ये है शिव माने शंकर ने। हाँ। शंकर ने राम को नमस्कार किया। हाँ। भक्ति मार्ग में तो ऐसे मानते हैं कि सेवा और सेवा शंकर जो है वो राम से अभिन्न है। और एक गुप्त मत सब कहो कर जोर, शंकर भगत बिना नर भगत की पावे मोर। ये गुप्त रहस्य है कि जो शिव भगवान है उसकी भक्ति शंकर के बगैर संपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए जो सोमनाथ का मंदिर पहला मंदिर बनाया गया उसमें शिवलिंग के साथ साथ किसकी मूर्ति रखी गई थी? एक ही मूर्ति थी, शंकर की मूर्ति। तब वो भक्ति मार्ग पूरा होता है।
भक्ति मार्ग में और भी बताई बात, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हु मोह न पावा। जो शिव का द्रोही है, निराकार का द्रोही है, वो मेरा भी द्रोही है, वो स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। राम के लिए तो शिव जैसे उसकी आत्मा है, जैसे आत्मा के बगैर शरीर मुर्दा कहा जाता है, ऐसे ही बाबा ने भी बताया कि शिव को याद करना है, सबको याद नहीं करना है। अगर उस शरीर में से बिंदी की याद सुप्रीम सोल की निकाल दी तो क्या रह जाएगा? सब रह जाएगा। ये बोला कि साकार में निराकार को याद करना है, न सिर्फ निराकार को, न सिर्फ साकार को। और आकार तो होते ही है भूत प्रेत, उनको तो याद करने की बात ही नहीं। यहाँ राम की जगह में आत्मा राम को समझ रहे हैं। हाँ जी बाबा, ये शंकर माना ही मिक्स पार्ट है, क्या माना शिव को, क्या माना शिव और राम माना राम को। हाँ जी, ये गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, बल्कि ये शिव शंकर, शंकर माना मिक्स पार्ट, वो कृष्ण को निकाल दो, वो गीता का भगवान नहीं है। क्यों कृष्ण को निकाल दो जो अधूरा है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान, जिसकी बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं है, उसको निकाल दो। वो गीता का भगवान नहीं है, क्यों बोलना नहीं है ये शिव राम है? गीता का भगवान शिव राम। हाँ, राम जो है वो निराकार के लिए कहेंगे या साकार के लिए कहेंगे? जो निराकारी स्टेज वाला है वो घट घट में रमण करता है, जो साकारी स्टेज वाला राम है, 63 जन्म साकारी स्टेज में रहा, उसको सारी दुनिया याद करती है क्या? नहीं याद करती। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रजापिता के प्रति सारा मान सम्मान जाता है, या प्रजापिता में शिव के प्रति सारा मान सम्मान जाना चाहिए? शिव के प्रति जाना चाहिए, वही तो पतितों को पावन बनाने वाली आत्मा है। राम और कृष्ण थोड़े ही पतितों को पावन बनाते हैं, वो तो खुद ही पतित से पावन बनते हैं। हाँ, नारायण संपूर्ण को याद करेंगे, क्योंकि जो संपूर्ण नारायण है, जिसकी संसार में कोई भी ग्लानि नहीं है, शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है, ऐसे नारायण को याद करेंगे तो हम भी कैसे बनेंगे? नारायण जैसे बनेंगे, उससे ऊंचा तो लक्ष्य कोई होता ही नहीं है। और पति तो पावन भी तब शिव है
जब साकार में प्रवेश है और वो साकार भी निराकारी स्टेज वाला पुरुषार्थ करके संपन्न बन जाए तब शिव बाबा पतित पावन है। तो इसीलिए इससे रहे आत्मा और आत्मा जड़ रूप होती है शरीर के बिगर। जब शरीर में प्रवेश करती है तब ज्ञान सुनाने लायक बनती है, चैतन्य बनती है। और जिस शरीर में प्रवेश करती है वो तो ज्ञानदाता बीज रूप बाप हो गया मनुष्य शक्ति का। फिर अकेले बाप से कुछ नहीं होगा, प्रवृत्ति चाहिए या एक चाहिए तो माता भी चाहिए, ये बाबा भी बंदे माता। इसलिए जब हम याद करते हैं तो ऐसे नहीं शिव को याद करते हैं कि वो तो बिंदी का नाम है, नहीं, शिव बाबा को याद करते हैं। वो भी याद में भी प्रवृत्ति समाई हुई है। रुद्रमाला जो है वो रुद्रमाला के मण के नंबर एक से लेकर के नंबर 108 तक मन बुद्धि से पतित आत्मा है या पावन आत्मा है, इसकी निशानी क्या नहीं, अभी निशानी क्या दिखाई पड़ेगी कि कौन ज्यादा पतित बनता जा रहा है बुद्धि से, प्रैक्टिकल पे नहीं, शरीर की कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर नहीं, मन बुद्धि के आधार पर। हाँ, रुद्रमाला के मणकों में क्या निशानी देखने में आती है जिससे हम ये कहें कि ये पावन है और ये पतित है, ये परसेंटेज में ज्यादा पावन है और ये परसेंटेज में ज्यादा पतित है। नहीं, हाँ वो भी है, वो भी है, लेकिन संगठन तो वास्तव में बनता ही नहीं है रुद्रमाला का। अगर बनता भी है तो सिर्फ सूर्यवंशियों का बनता है, 108 की तो बात ही नहीं, तो उनकी निशानी क्या होगी। हाँ, बुद्धि का काम है मन बुद्धि रूपी आत्मा का काम है मनन चिंतन, और मनन चिंतन ज्ञान के द्वारा ही होता है। शिव बाप आकर के कोई स्थूल चीज नहीं देता है, क्या देता है, ज्ञान देता है। उस ज्ञान को, उस ज्ञान जल को जितना हम चालू रखते हैं तो शुद्ध जल रहेगा या अशुद्ध रहेगा, जल शुद्ध रहता है। जितना ऊंची स्टेज में रहकर के हम मनन चिंतन मंथन करते हैं, पांच तत्वों की दुनिया के प्रभाव से दूर, उतना वो ज्ञान जल ज्यादा निर्मल होगा। उदाहरण दिया जाता है मानसरोवर का, सबसे ऊंचा तालाब है दुनिया का, पहाड़ के ऊपर है वो तालाब है बड़ा, और उसका पानी इतना निर्मल है कि तलने की चीज भी दिखाई पड़ती है। बाबा भी कहते हैं सबसे बड़ा आरती है बाप, ज्ञान मानसरोवर। मिनी मधुबनों को भी शीशे का महल कहा है, शीश महल। जैसे शीशे के महल में जाकर कोई अपना चेहरा छुपाए नहीं सकता, ऐसे ही जो बड़ा आरती है बाप, उसके सामने रह करके कोई अपने को छुपाए नहीं सकता, वो निर्मल ज्ञान जल है।
वो जल एक ही नदी है, जिस नदी से ऊंची ऊंची स्टेज में बहता रहता है ब्रह्मपुत्र। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मपुत्री नदी, लास्ट में आकर के नीचे गिरता है। ऊंची स्टेज में बहना माने आत्मा को पवित्र बनाना, ये मन बुद्धि की बात है। लेकिन प्रकृति के पांच तत्वों को अगर पावन नहीं बनाया है तो विश्व का परिवर्तन हो जाएगा? विश्व के ऊपर राजाई प्राप्त करने वाले प्रकृति जीत कहे जावेंगे, नहीं कहे जावेंगे। इसलिए वो ज्ञान बीज को धारण करने वाले अकेले प्रजापिता से काम नहीं बनेगा। साकार शरीर धारी भी चाहिए जो माता के रूप में हो। पुरुष जितने भी हैं ए टू जेड वो सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट है। तो दुर्योधन दुशासन जो मुख से सुना देंगे तो उससे प्रैक्टिकल जीवन में कोई पावन बन जाएगा क्या? बन जाएगा? नहीं बन सकता। धरणी माता कहा जाता है ये माताओं कन्याओं में ही, वो भी खास भारत की कन्या माताओं में। ये चित्त है तो उस ज्ञान को जब धारण करती है और धारण किए हुए उस ज्ञान को दूसरों को सुनाती है तो आप समान पवित्र बनाती है, तब पवित्र दुनिया की स्थापना होती है। अकेले शिव कुछ नहीं कर सकता और अकेले प्रजापिता भी शिव के साथ रहकर भले मन बुद्धि से पवित्र बन जाए लेकिन ये दुनिया पावन नहीं बन सकती। प्रकृति माता चाहिए पावन बनाने के लिए। माता का आधार लेना जरूरी है। और वो लक्ष्मी माँ है या जगदम्बा है? माता जो है वो कोई सिर्फ शरीर नहीं है और सिर्फ आत्मा भी नहीं है, वो आत्मा भी है और शरीर भी है। आत्मा कहें तो जगदम्बा नहीं आती उस लिस्ट में। जगदम्बा आती है प्रकृति के पांच तत्वों की प्रधान धात्री, पृथ्वी माता। पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। लेकिन वो पृथ्वी माता भी जड़ शरीर नहीं है, बाप की पहचान नहीं है तो जैसे जड़ शरीर है और बाप की पहचान हो जाए तो चैतन्य भारत माता हो जाती है। ये सारी पृथ्वी सात महाद्वीपों वाली ये जड़त्वमयी बुद्धि वाली है वर्तमान में या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि है का छोटा रूप हो जाएगा, आत्मिक स्वरूप में जब स्थित हो जाएगी देहभान खत्म हो जाएगा
तो कन्या बन जाएगी। उस कन्या को कहा जाता है कन्या कुमारी, और माता का गायन है आधर कुमारी। आधर कुमारी जगदम्बा का गायन है, जगत की अम्बा। इस्लामी बौद्ध जी क्रिश्चियंस की भी अम्बा, उसकी गोद में इस्लामी बौद्ध जी क्रिश्चियंस भी पलते हैं, लेकिन भारत माता की गोद में इस्लामी बौद्ध जी क्रिश्चियंस का पालना नहीं होती है, वो भारत माता है, पवित्रता की देवी है। विदेशी माताएं इतनी पवित्र नहीं होती है, भारत माता को पवित्र रूप में दिखाया जाता है। आत्मा है सिर्फ तो देहभान नहीं होना चाहिए, और देह अभिमानी है तो भला आत्मा हो भी तो भी जड़त्वमय बुद्धि वाली कही जाएगी या चैतन्य कही जाएगी, प्रकृति उसका नाम है। क्यों बाप जब आते हैं तो प्रकृति और पुरुष दोनों की रचना साथ साथ होती है। प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो सुनने सुनाने का काम, ये बुद्धि की बात है, इसके लिए सिर्फ बुद्धि की जरूरत है या नहीं है? नहीं, जो निर्बुद्धि है बुद्धिहीन है वो भी सुनने सुनाने का काम कर सकता है, वो है प्रकृति माता। फिर जहां समझने समझाने की बात आती है वो है पिता, बीज रूप सूक्ष्म बुद्धि। आत्मा जितना सूक्ष्म और कोई चीज नहीं होती, वो एक सेकंड में आत्मिक स्टेज में स्थित हो सकता है। ऐसी उस आत्मा में जो हीरो पात्रधारी आत्मा है, आत्मिक स्थिति में रहने के कारण उसमें सुप्रीम सोल बाप आकर के ज्ञान देता है। उस ज्ञान को पतित आत्मा पहले उठाती है या पावन आत्मा पहले उठाती है? पतित आत्मा उठाती है। उन कन्याओं माताओं में भी जो जगदम्बा का पात्र धारण करने वाली है, विदेशी कन्याओं माताओं से मिलता जुलता पात्र, वो भी पतित है, वो पहले उठाती है। और जो भारत माता के रूप में गाई हुई है उसको पहले उठाने की दरकार है? वो तो है ही पवित्र। तो ये अंतर पड़ जाता है। प्रश्न आया है कि धर्मराज जब सजा देंगे तो बीज रूप आत्माओं के बीच में जिन बीज रूप आत्माओं का शरीर बहुत कमजोर है या नाजुक शरीर है उनका क्या हाल होगा? बड़ी चिंता है। लेकिन ये चिंता करने वाला भूल गया कि बाबा ने ये भी बोला हुआ है कि शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जावेगी। कितना भी शरीर कमजोर हो जाए, जैसे कोई भूत प्रवेश करता है ना किसी में, तो शरीर उसका भले कमजोर हो फिर भी
चार छह लोग उसको पकड़ के संभालते हैं तो भी कंट्रोल में नहीं आता है। ऐसे ही जो आत्म की स्टेज को धारण करते जाएंगे, उनके शरीर कितने भी लुंजम पुंजम हो जाएं, सड़े सड़ाए बन जाएं, फिर भी आत्मा शक्तिशाली होने के कारण बहुत पावरफुल बन जाती है। साष्टांग नमस्कार, साष्टांग का मतलब है सात अंग, आठ अंगों सहित नमस्कार। क्या जैसे भगवान का विराट रूप दिखाया गया ना, तो उस विराट रूप में आठ अंग हैं। जो भक्ति मार्ग के योगी लोग हैं वो शरीर में आठ चक्र भी बताते हैं। और बाबा ने भी मुख्य पाठधारी आत्माएं कितनी है जो पूर्वज के रूप में पाठ बजाती है, आठ आत्माएं। वो आठ आत्माएं आठ धर्मों से कनेक्टेड है। माना विराट पुरुष में ही सारी दुनिया समाई हुई है। ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर आत्मा है और हर एक आत्मा रूपी स्टार के अंदर एक दुनिया समाई हुई है। इसका मतलब आठ अंगों सहित नमन बुद्धि को झुकाता हूं। माना आत्मा रूपी बीज के अंदर जो भी दुनिया है, 84 जन्म के संसार के संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा रूपी स्टार की अपनी दुनिया तो है ना, वो सब को अर्पण करता हूं, सरेंडर करता हूं। अकेला खुद नहीं सरेंडर होता हूं, सब को अर्पण करता हूं। उसको कहते हैं साष्टांग नमस्कार। कोई खुद अर्पण हो जाए और अपने बच्चों को अर्पण न करे और कहे कि तुम विरोध करो, तो अर्पण हुआ कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। बाबा किस समय करे गोर लगाते थे, वो किसको लगाते थे? बताया ना, भोग जो है, भोग भोगने वाली आत्मा ब्रह्मा की है या शिव की है? ब्रह्मा की आत्मा भोग भोगने वाली है। और भोग भी जिसको लगाया जाए, भोग लगाना माने पूजा करना है। जैसे भक्ति मार्ग में जो मान्य पक्ष माना जाता है, जिसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पांव पूजते हैं, मानो बेटी की शादी करते हैं तो पूजा करते हैं ना, तो जो पूज्य भाव है उसके लिए कहते हैं रोटी बेटी से अर्पण हो गया, बाहा कर दिया। ऐसे ही यहां भी बात लागू ब्रह्मा बाबा रहते हुए ये भी किए हैं। ब्रह्मा बाबा थे लेकिन अपूर्ण थे या संपूर्ण थे? अपूर्ण थे। भोग संपूर्ण ब्रह्मा को लगाया जाता था,
या अपूर्ण को लगाया जाता था? संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्म को भोग लगाया जाता था। तो फिर उस समय वो संपूर्ण ब्रह्म किसको मानते थे? जो भी सूक्ष्म बतन में दिखाई पड़ता था उसको मानते थे। जो आर्थक में शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा कुमार समझते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा ही संपूर्ण बन गया, लेकिन वो तो ही संपूर्ण बन गया, वो भी रचना है या रचयिता है? रचना है। उसका भी रचयिता कौन? आज पूर्व जात्म आत्माओं में चार आत्मा विजय माला से आएंगे, चार आत्मा दुर्गा माला से आएंगे क्या? ठीक है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों की मिलकर के संपूर्ण आत्मा बनती है। चार उसमें से उठाए जाए श्रेष्ठ और चार विजयमाला में से श्रेष्ठ आत्माओं को उठाए जाए, उनकी युगल जोड़ी बनी। तो चार मणके कहे जाएंगे ये आठ कहे जाएंगे मणके विजय माला में और रुद्र माला में अंतर क्या होता है? वो तो है, देखने में क्या अंतर आता है मालाओं में? राजों का माला रानी मुख्य अंतर है कि विजय माला में ऊपर जो मणका होता है वो युगल मणका है, डबल है, और रुद्र माला में डबल मणका नहीं होता है, सिर्फ फूल दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रुद्र माला के मणके जब विजय माला में ऐड किए जाएंगे, संपूर्ण विजय माला बनेगी, तो सारे मणके युगल होंगे या सिंगल होंगे? भारतीय परंपरा में खास करके ब्राह्मणों में जब गांठ जुड़ जाती है, शादी हो जाती है, तब संपूर्ण पुरुष माना जाता है या शादी होने से पहले संपूर्ण पुरुष माना जाता है? गांठ जुड़ने के बाद ही संपूर्ण माना जाता है। ऐसे ही ये विजयमाला में जो भी मणके हैं, संपन्न विजयमाला बनने के बाद सब युगल दाने, वो ऊपर का जो डबल मणका है वो इस बात को सूचित करता है। ऐसे नहीं 109वां मणका है, वो 109वां मणका है या सिर्फ दिखाने के लिए है कि जो भी मणके हैं वो क्या है? युगल मणके। तो आठ रुद्रमाला के और आठ विजयमाला के दोनों मिलकर के युगल मणके हो गए आठ, उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जावेंगे, अलग अलग नहीं कहे जावेंगे। तो फिर आत्मों के हिसाब से 216 हो गए वो होते रहे। बाबा वो पूर्व जीत पहले सूर्य उसको पूर्व पूछ रहे हो कैसे है वो विजय माला रुद्र माला को स्वभाव पूर्व जा माने जन्म लेने वाला, पूर्व माने पहले। तो पहले बाप जन्म लेता है या माँ जन्म लेती है? वो ही पूर्वज हुआ। माँ है रचना और बाप है रचयिता, तो जो रचयिता है वो पहले है, रचना बाद में है, तो वो पूर्वज है। कोने कोने में और चार उम्र के तब ऐसे ही शुरू हो जाता है कोने कोने से
और चार चार वर्ण ऐसे ही छुअ हो जाता है वाणी जो बात शुरू करते हैं। अभी दो साल से खा दो तीन साल से जो अव्यक्त वाणी चलाई जा रही है उसमें पहला जो वाक्य होता है उस वाक्य में ये विशेषता होती है कि विश्व के कोने कोने से चुने हुए चारों दिशाओं से चुने हुए बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका कारण क्या है? क्या कारण है? कोने कोने है चारों दिशाओं में प्रसार हो गया है संदेश पहुंच गया। नहीं, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया वो दिशाओं को इंट्रोड्यूस किया गया या बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया? बच्चों को किया गया। तो बच्चे कौन है? अष्टदेव है। चार मुख्य दिशाएं हैं और चार उनके कोने, इसलिए कोने कोने से कहा जाता है। चारों ओर से आए हुए बच्चों को कहा जाता है। वो कोने कोने में तो ब्रह्मांड का है क्या? हाँ जी, वो कोने कोने में तो ब्रह्मांड का है या जमाने का है? वो अधिष्ठाता कहाँ के हैं? जो अष्टदेव है दिग्पाल है, आठ दिशाएं गाई हुई है, आठों दिशाओं के दिग कहा जाता है दिशा, पाल माने पालने वाले, आठों दिशाओं के अलग अलग पालने वाले मुखिया है। इसलिए अव्यक्तवाणी में पहले ही वाक्य में बोला जाता है चारों ओर से आए हुए, कोने कोने से आए हुए, कि चारों दिशाओं के कौन भी हैं, ईशान कौन वगैरह। टाइम हो गया।